तो दोस्तों कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों अगर आप भी अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं या फिर अपने रेफरल लिंक से किसी का अकाउंट ओपन करवाने की सोच रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, पूरी सच्चाई पता चल जाएगी कि आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिएगा। तो दोस्तों बात कुछ हुई ऐसा कि अपस्टॉक ने जो रेफरल प्रोग्राम था अपस्टॉक का, वो बहुत ही बढ़िया रेफरल प्रोग्राम था। लेकिन दोस्तों रेफरल प्रोग्राम था मतलब बहुत ही बढ़िया था, लेकिन अभी उसका जो रेफरल प्रोग्राम का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही बेकार हो चुका है। दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या ऐसा इन्होंने किया है, क्या क्या अपडेट किया है और इन्होंने क्या इसको बेकार कर दिया हम लोगों के लिए, वो आपको सुनना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले यानी कि 1 से 1.5 महीना पहले अपस्टॉक में जो भी अकाउंट ओपन होते थे दोस्तों बिल्कुल फ्री में होते थे, यानी कि फ्री में बिल्कुल बिना पैसे बिना कोई चार्ज का अकाउंट ओपन होता था। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता है कि अभी फिलहाल में अकाउंट ओपनिंग का चार्ज लग रहा है जो कि 199 रुपये आपको चार्ज पे करना पड़ रहा है, उसके बाद ही आप अकाउंट ओपन कर पाओगे। और दोस्तों उसके साथ साथ में आपका GST भी लग रहा है, टोटल आपका 234 रुपये अकाउंट ओपनिंग चार्ज लग रहा था। तो दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो चार्ज था 234 रुपये, लेकिन अभी जो चार्ज बढ़ के हो चुका है 293 रुपये कुछ पैसे। तो दोस्तों आप लोगों को पता हो गया कि नहीं इसका जो चार्ज है वो कितना बढ़ गया है। अब दोस्तों प्रॉब्लम ये है अपस्टॉक में, ये तो चार्ज की बात हुई, लेकिन अभी बहुत सारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों मेरे लिंक से बाय द वे कोई भी बंदा अकाउंट ओपन कर लिया तो दोस्तों वो बंदा अकाउंट ओपन जैसे ही करना शुरू करता है तो वो दोस्तों मोबाइल नंबर अपना ईमेल आईडी और पैन कार्ड डालता है तो दोस्तों उसका नाम मेरे ईमेल आईडी मैसेज में मतलब मेरे को मैसेज आता है, ईमेल आता है कि ये बंदा आपके रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन कर रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं मेरे लिंक से जिनका नाम ही मेरे साथ नहीं ऐड हुआ, यानी कि मेरा नाम मेरे साथ वो जुड़े ही नहीं हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो मेरा लिंक यूज ही नहीं किए हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई तो ये है कि मेरे लिंक से ही बंदा अकाउंट ओपन किया है, क्योंकि मैं पर्सनली उसको लिंक भेजता था इंस्टाग्राम पे, ऐसे मतलब यूट्यूब से भी, यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया था, वहाँ से भी बंदे अकाउंट ओपन कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे बंदे का अकाउंट ही मतलब मेरे साथ जुड़ नहीं रहा है, उनका नाम ही नहीं ऐड हो रहा है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपस्टॉक की। दोस्तों यहाँ पे जो चार्ज हो चुका है लगभग में समथिंग 300 रुपये हो चुका है, और दोस्तों यहाँ पे इंट्राडे का चार्ज, ब्रोकर का, बहुत सारा यहाँ पे चार्ज भी आपका महीना मंथली लगता है। अगर आप मंथली लेते हैं तो मंथली देना पड़ेगा, अगर इसमें 3 मंथ का भी आता है तो 3 मंथ वाइज भी आप उसमें अगर कर लेते हैं अकाउंट ओपन करते वक्त तो आपको 3 मंथ के बाद भी चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब हर 3 मंथ पे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है अपस्टॉक की तरफ से। अगर आप अकाउंट फिर भी ओपन करना चाहते हैं, किसी का ओपन करवाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यही कहूँगा कि आप लोग इसमें अकाउंट ओपन मत कीजिए। अभी मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा, जब इसका चार्ज बिल्कुल फ्री हो जाएगा, इनका ऑफर अच्छा हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो दोस्तों आप लोग इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। आप लोग क्या डाउट है अपस्टॉक की तरफ से मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आप लोग ले दोस्तों मैं अच्छा से अच्छा मैं ब्रोकर लेके आऊँगा जिसमें पर रेफर पे 500-300 रुपये मिलेगा। अगर आपने 5 पैसे में अकाउंट ओपन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो, 5 पैसे में ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है, बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।